हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैंगो फेशियल कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। ये फेशियल ऑल स्किन टाइप के लिए है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैंगो फेशियल के लिए हमें चाहिए मैंगो, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर एक स्पून की मदद से इसको पेस्ट बना लेंगे। मैंगो में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है। मैंगो फेशियल में चार स्टेप होते हैं। पहली यानी कि स्टेप वन, क्लींजिंग। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून मिल्क, 1 टीस्पून मैंगो पेस्ट, 1 टीस्पून बेसन। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये क्लींजर हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है, सन टैन को रिमूव करता है और हमारे स्किन को ब्राइटन करता है। इसको लगाने से पहले आपके मुंह को ऐसे थोड़ा पानी से भिगा लीजिए। अब इस क्लींजर को ऐसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए और इस तरह अपने हाथों से 2 मिनट तक मसाज कीजिए। फिर पानी से धो लीजिए। दूसरा यानी कि स्टेप टू, स्क्रबिंग। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून मैंगो पेस्ट, 1 टीस्पून कॉफी, 1 टीस्पून शुगर। इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये स्क्रब हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और स्किन को ग्लोइंग करता है। इसको लगाने से पहले अपने मुंह को ऐसे थोड़ा पानी से भिगा लीजिए। अब इस स्क्रब को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए। इसको अपने आंखों के करीब मत लगाना। हल्के हाथों से 2 मिनट के लिए मसाज कीजिए। फिर पानी से धो लीजिए। तीसरा यानी कि स्टेप थ्री, क्रीम मसाज। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून मैंगो पेस्ट, 1 टीस्पून हनी। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये क्रीम आपके स्किन को नरिश करता है और मॉइस्चराइज करता है और आपके स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। अब इसको 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कीजिए। और ऐसे ही छोड़ दीजिए। चौथा यानी कि स्टेप 4, फेस पैक।
इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून मैंगो पेस्ट, 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये फेस पैक हमारे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को दूर करने में मदद करता है और हमारे स्किन को इवेनली ब्राइट करता है और स्किन को ग्लोइंग करता है। जो क्रीम आपने लगाया था उसके ऊपर ही ये फेस पैक पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए। बीस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसको महीने में 2 बार जरूर ट्राई करना और रिजल्ट मुझे कमेंट में बताना। तो ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।